इसी महीने सुप्रीम कोर्ट से ट्रस्ट, सोसाइटीज, सेक्शन 8 कंपनीज, यूनिवर्सिटीज, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, हाउसिंग बोर्ड्स, कॉरपोरेशंस, स्टेट क्रिकेट एसोसिएशंस, इनके टैक्स एग्जम्पशन को लेके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसले सुप्रीम कोर्ट ने सुनाए। पिछले फैसले को न्यू नोबेल एजुकेशनल सोसाइटी वर्सेस चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इस फैसले को हमने पिछले वीडियो में कवर किया। तो ये जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है, पिछले फैसले को आप इस वीडियो से सुन सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के दूसरे फैसले को, द असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये दोनों फैसले सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही ऐतिहासिक हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। इसमें नई ज्यूरिसप्रूडेंस को इवोल्व किया है सुप्रीम कोर्ट ने, अपने पिछले फैसलों को पलटते हुए, पिछली ज्यूरिसप्रूडेंस को मैं समझता हूं इग्नोर करते हुए, नई ज्यूरिसप्रूडेंस के साथ ये फैसले दिए हैं। क्या है ये फैसले, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड जान लेते हैं। अगर आप एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, यदि आप एक ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार चैरिटेबल पर्पस का मतलब क्या है। इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज 15 में चैरिटेबल पर्पस का मतलब डिफाइन किया गया है। चैरिटेबल पर्पस का मतलब होता है एजुकेशन, योगा, रिलीफ ऑफ द पुअर, मेडिकल रिलीफ, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, और सबसे आखिरी क्लॉज होता है एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। ये जो आखिरी क्लॉज है, एक एनजीओ होने के नाते, एक ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी होने के नाते, आपके एनजीओ का आधार है इस डेफिनेशन को समझना और इसे फॉलो करना। ये जो सेक्शन 2 क्लॉज 15 में जो आखिरी क्लॉज है, आखिरी लिंब है, द एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, ये सबसे खतरनाक क्लॉज है। इस क्लॉज में एक रिस्ट्रिक्शन लगी है, एक थ्रेशहोल्ड लगी है। जब आप एनजीओ चला रहे हैं और एनजीओ चलाते समय यदि आप कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, तो जो ऊपर के क्लॉजेस हैं, एजुकेशन, योगा, मेडिकल रिलीफ, रिलीफ ऑफ द पुअर, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, यहां अगर आप एनजीओ चलाते चलाते कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, फीस लेकर, सेस लेकर, कोई भी कंसीडरेशन लेकर, अगर आप कोई कमर्शियल एक्टिविटीज यदि आप कर रहे हैं, तो एज लॉन्ग एज इन कमर्शियल एक्टिविटीज के आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग से मेंटेन कर रहे हैं, आप इन कमर्शियल एक्टिविटीज से पैदा होने वाले प्रॉफिट्स को यदि वापस अपने मेन ऑब्जेक्ट्स पे खर्च कर देते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपके चैरिटेबल एग्जम्पशन के बने रहने की। लेकिन जो सबसे आखिरी क्लॉज है, द एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, ये सबसे खतरनाक क्लॉज है। इसमें दो रिस्ट्रिक्शन है। पहला, यदि आप फीस लेकर, कोई कंसिडरेशन लेकर, कोई कमर्शियल एक्टिविटीज आप कर ही नहीं सकते, आपको आपकी एक्टिविटीज को, आपके एनजीओ को चैरिटेबल पर्पस नहीं माना जाएगा। लेकिन इसके साथ थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस भी आपको दिया गया है कि यदि आप अपने एनजीओ में, शर्त नंबर 1, आप एक एनजीओ हैं,
आपका रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आखिरी क्लॉज में क्लासिफाई कर रखा है द एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। इसमें यदि आप कोई कमर्शियल, पहली बात तो आप कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं कर सकते इसमें। यदि आप कमर्शियल एक्टिविटीज कर भी रहे हैं तो इसमें आपको दो लिमिटेशंस का ध्यान रखना है। ये जो आप कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं, इस आखिरी क्लॉज में फीस लेकर किसी भी कंसिडरेशन के फलस्वरूप, तो ये जो एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, दीज शुड बी इंसिडेंटल टू योर मेन ऑब्जेक्टिव्स। ये कोई स्ट्रेंजर ऑल इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज नहीं हो सकती। ये जो कमर्शियल एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, ये इंसिडेंटली कर रहे हैं, अपने मेन ऑब्जेक्ट्स को परस्यू करते समय आप कर रहे हैं, नंबर एक। और नंबर दो, किसी भी साल ये जो कमर्शियल एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, आपकी उस साल की टोटल रिसिप्ट्स का 20% से ज्यादा नहीं हो सकती। यदि जिस भी साल ये 20% से ज्यादा होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस साल आपकी एक्टिविटीज को चैरिटेबल नहीं मानेगा और उस साल आपको टैक्स एग्जम्पशन सेक्शन 11-12 या सेक्शन 10 क्लॉज 23C में देने से मना कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने 19 दिसंबर 2022 को एक केस, द असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इस केस की सुनवाई करते समय 110 अपील्स को ओवर टैग कर दिया, क्योंकि मुद्दा इन 110 केसेस में एक ही था। इस केस में देश भर के चुनिंदा स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस, बोर्ड्स, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज, स्टेट क्रिकेट एसोसिएशंस सुप्रीम कोर्ट के सामने थे। कुल 110 पार्टियों को एक साथ सुना गया, क्योंकि मुद्दा सबका एक था कि हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सेक्शन 2 क्लॉज 15 के तहत आखिरी क्लॉज में हम क्लासिफाई होते हैं, वी आर कैरिंग ऑन द एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, और हम फीस ले रहे हैं, हम फीस लेके काम कर रहे हैं, तो क्या हमारी एक्टिविटीज अलाउड हैं? क्या इस पे आप टैक्स एग्जम्पशंस नहीं देंगे? तो इस बात को सुप्रीम, अब तक की क्या ज्यूरिसडिक्शन थी, अब तक की सुप्रीम कोर्ट की जो ज्यूरिसप्रूडेंस थी, आज एक नई ज्यूरिसप्रूडेंस को सुप्रीम कोर्ट ने इवॉल्व किया है। लेकिन इससे पहले साल 1980 में सुप्रीम कोर्ट का ही एक फैसला है, सूरत आर्ट सिल्क क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम डोमिनेंट टेस्ट लगाएंगे, हम प्राइमरी ऑब्जेक्ट देखेंगे, कि यदि आपका क्लासिफिकेशन एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी में भी है, तो एज लॉन्ग एज आपका जो डोमिनेंट ऑब्जेक्ट है, आपका जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है, अगर वो चैरिटेबल है और इसके बावजूद आप कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो यू विल स्टिल बी रिमेन एज ए कॉन्टिन्यूइंग योर चैरिटेबल एक्टिविटीज, आपके चैरिटेबल एग्जम्पशन को कोई खतरा नहीं है। लेकिन आज नई ज्यूरिसप्रूडेंस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 प्रिंसिपल्स को रीट्रेट किया, कुछ नए बिंदुओं को बताया। सेक्शन 2 क्लॉज 15 आखिरी सब क्लॉज, द एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। कौन कौन से चैरिटेबल एनजीओस माना जाएगा कि वो इस कैटेगरी में क्लासिफाई हो रहे हैं? देखिए, आप एक एनजीओ हैं, अगर आप एजुकेशन का काम नहीं कर रहे हैं, यदि आप योगा का काम, योगा की एडवांसमेंट का काम नहीं कर रहे हैं, आप एनवायरनमेंट को प्रिजर्व नहीं कर रहे हैं, आप मेडिकल रिलीफ नहीं कर रहे हैं, आप रिलीफ ऑफ द पुअर, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट पे काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट
आखिरी क्लॉज में ही क्लासिफाई करता है द एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। मैं इसके तीन एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। नंबर एक, आप स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। नंबर दो, आप गौशाला चला रहे हैं। नंबर तीन, आपका एनजीओ रोड सेफ्टी पे काम कर रहा है, रोड सेफ्टी मेजर्स पे काम कर रहा है। आप एक बिजनेस या एक इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है जो अपने मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। आप एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हैं। तो इस प्रकार के सारे ऑब्जेक्टिव्स को आखिरी क्लॉज, आखिरी सब क्लॉज द एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी में ही क्लासिफाई किया जाता है। तो क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, ये सबसे खतरनाक क्लॉज है। आप भी जब अपने जीवन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, सेक्शन 11-12 में या सेक्शन 10 क्लॉज 23 सी में, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान देना होगा कि किस कैटेगरी में आपका रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज नए प्रिंसिपल्स बताए या रीट्रेट किए वो ये हैं। नंबर वन, सेक्शन 2 प्राइमरी डोमिनेंट टेस्ट को दरकिनार करते हुए फिर से सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि नहीं साहब, सेक्शन 2 क्लॉज 15 इसका जो सेकेंड प्रोविजो है, इसमें यदि आपके एनजीओ का रजिस्ट्रेशन द एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी में हो रखा है, तो आप इसके तहत कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज नहीं कर सकते। कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज आपको पर से अलाउड नहीं है। और यदि आप इसमें कॉमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो फिर आपको दो बातों का ध्यान रखना है। नंबर एक, जो आप कॉमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं, दे आर इंसिडेंटल टू द परसुएंस ऑफ योर मेन ऑब्जेक्टिव्स, नंबर वन। और नंबर टू, किसी भी साल जो आप कॉमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये आपकी उस साल के टोटल रिसिप्ट्स का 20% से एक्सीड नहीं कर सकती। ये आज का, ये तो बात हम पहले भी जानते हैं। तो आज जो देश भर के 110 एपलेंट्स सुप्रीम कोर्ट के सामने थे, जिसमें बहुत सारी स्टेच्यूटरी बॉडीज, कॉरपोरेशन अथॉरिटीज जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करती हैं, टाउन डेवलपमेंट, टाउन प्लानिंग, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट जो सरकार का ही एक एक्सटेंडेड काम करती हैं, स्टेच्यूटरी रेगुलेटिंग बॉडीज जैसे कि सीए इंस्टीट्यूट, सीएस इंस्टीट्यूट, आईसीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट, ये अपने स्टूडेंट्स को कोचिंग देते हैं और बदले में फीस लेते हैं। तो क्या इनकी एक्टिविटीज को कॉमर्शियल माना जाए या इनकी एक्टिविटीज को चैरिटेबल माना जाए? देयर आर सो मेनी सर्टिफिकेशन एजेंसीज, स्टेट क्रिकेट एसोसिएशंस अंडर एन अरेंजमेंट बीसीसीआई से अपनी एक डिस्ट्रीब्यूशन फीस लेते हैं, काफी सारे इनकी एक्टिविटीज टिकट बेचते हैं। तो क्या इनकी एक्टिविटीज को कॉमर्शियल माना जाए? तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज की व्यवस्था दी है, ये 150 पेज की जजमेंट है। 150 पेज की जजमेंट में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पहलू है वो ये है कि यदि आप सरकार की ही एक अथॉरिटी हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं, बोर्ड हैं, कॉरपोरेशन हैं, उदाहरण के लिए न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी फीस वसूल करके आपको सेवाएं देता है, तो क्या न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को सेक्शन 10 क्लॉज 46 के तहत एग्जम्पशन दी जा सकती है अंडर द हेड द एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी? बार काउंसिल ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, 110 पार्टियों को यह कहा गया कि देखिए, जनरली आप फीस लेकर जो कार्य कर रहे हैं, अगर इसमें केवल आप एक नॉमिनल मार्कअप ले रहे हैं, आप अपनी सर्विसेज केवल एक कॉस्ट प्लस नॉमिनल मार्कअप पे दे रहे हैं,
तो ये आपकी कॉमर्शियल रिसिप्ट नहीं मानी जाएंगी। लेकिन इसके विपरीत यदि आप अपनी सर्विसेज अपने मेंबर्स को अपने स्टूडेंट्स को अगर आप एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस पे दे रहे हैं तो फिर आप सेक्शन 2 क्लॉज 15 के जाल में जरूर फंस जाएंगे। तो जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल है सेक्शन 2 क्लॉज 15 में, किसी भी संस्था को अपना चैरिटेबल अम्ब्रेला बनाए रखने के लिए एंश्योर करना होगा सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के बाद कि आप जो जनरल पब्लिक यूटिलिटी में जो सेवाएं दे रहे हैं वो नॉमिनल कॉस्ट प्लस मार्कअप पे होनी चाहिए। अगर आप एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स अपने मेंबर्स को एक बहुत ही रेंट स्पेस करते हैं, ट्रेड फेयर की फीस आपसे ली जाती है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स सेपरेट कोर्सेस चला रहे हैं स्किल सेट इंप्रूव करने के लिए, मेंबर्स के एसोसिएशन का मेंबर्स के कलेक्टिव इंटरेस्ट का ध्यान रखने के अलावा देर आर सो मेनी एक्सटेंडेड सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन चैरिटेबल एक्टिविटीज। तो ये अब नहीं चलेगा। प्रिंसिपल क्या है, आप एक एनजीओ हैं, आप सेक्शन 2 क्लॉज 15 आखिरी सब क्लॉज द एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी के तहत जो भी आप अगर कमर्शियल सर्विसेज दे रहे हैं, अगर ये कॉस्ट प्लस नॉमिनल मार्कअप पे हैं, नॉमिनल प्रॉफिट पे हैं, तो इनको माना जाएगा कि ये कमर्शियल रिसिप्ट्स नहीं है। और इसके विपरीत यदि आप अपनी सेवाओं को अपनी सर्विसेज को फॉर ए फीस सेस और कंसिडरेशन यदि आप इसे दे रहे हैं एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस पे, तो फिर आपको सेक्शन 2 क्लॉज 15 में फिर इसे आपकी कमर्शियल रिसिप्ट्स माना जाएगा। और आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि ये जो रिसिप्ट्स हैं ये उस साल के टोटल रिसिप्ट्स का 20% से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उस साल आपके टैक्स एग्जम्पशन कैंसिल हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट की इन दो जजमेंट्स को जब हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे और अपने ट्रस्ट सोसाइटी सेक्शन एट कंपनी एनजीओ में इंप्लीमेंट करके चलेंगे, तभी हमारा चैरिटेबल पर्पस हमारी टैक्स एग्जम्पशन बनी रहेगी। तो मैं समझता हूं आप अपने ट्रस्ट में अपने इंस्टीट्यूशन में एक बार फिर से इस बात की चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं कमर्शियल एक्टिविटीज जिनको हमें छोड़ना होगा, और फिलहाल हम अपने मेंबर से जो फीस ले रहे हैं कि उनकी प्राइसिंग के बारे में एक बार विचार करना होगा। तो मैं समझता हूं कि इस वीडियो से आप अपनी चैरिटेबल एग्जम्पशन को बनाए रखेंगे, इसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा यदि आपके कुछ सवाल हो तो मुझे जरूर लिखें, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में फिर से एक बहुत ही बेहतरीन नॉलेज को आपसे शेयर करने के लिए। अभी के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।